हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा टाटा स्टील कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं टाटा स्टील कंपनी की स्टोर ऑल ओवर इंडिया में है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो कि एम्प्लॉय हायर होता है हार्ड मांग, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हायर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको बता देता हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप जान सकते हैं किस तरह से आप अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे कुछ रिसेंटली पोस्ट निकला हुआ है, उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करूँगा और उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर जॉब जो कि है जॉब, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जो रिसेंटली पोस्ट जो हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ AITT डिप्लोमा पास कैंडिडेट एट AGMC डिवीजन हल्दिया, एंड उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर JET डिप्लोमा इंजीनियर 2019 फॉर टाटा स्टील एम्प्लॉय वार एंड रजिस्ट्रेशन रिलेशन स्पाउस। तो इसके लिए यहाँ पे जो दो पोस्ट हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा अप्लाई करना क्या। तो फर्स्ट जो यहाँ पे पोस्ट हुआ है, एप्लीकेशन फ्रॉम द रिक्रूटमेंट AITT डिप्लोमा पास कैंडिडेट एट AGMC डिवीजन हल्दिया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका ऊपर क्लिक कर दिया हुआ है। इसके बाद मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से जो कि आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है जिस फॉर्म को, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन जो है आपका, जो कि यहाँ पर आपको पास होना चाहिए AITT फॉर द एफियरेंस पास, नेशनल एफियरेंस सर्टिफिकेट फॉर द NCVT एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यहाँ से अगर कोई दोनों में से अगर कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के बाद आपको कैंडिडेट टाइप जो कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, कुछ किस तरह के आपको कैंडिडेट है, चुनाव एम्प्लॉय वार्ड और स्पाउस प्रेजेंट एम्प्लॉय आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम जो कि दिया हुआ है, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कैटेगरी आप कौन सा कैटेगरी से है, आप जनरल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपके पास है तो आपको वो यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका जेंडर जो भी है, आपको यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको जो है यहाँ पे आपको वो देना होगा, आपका फादर नेम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका ईमेल आईडी, आपका लैंडलाइन नंबर, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूनियन टेरिटोरी एंड पिन नंबर आपको सब कुछ यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है आपको यहाँ पे मोबाइल, वैलिड मोबाइल नंबर आपको देना होगा। परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पे देना होगा, सिटी, आपका सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट और पिन देना होगा। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे मैट्रिक पास जो कि यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका 12th पास जो है यहाँ पे आपको देना होगा। इसके साथ साथ आपका कौन सा बोर्ड है, यूनिवर्सिटी से आप क्वालिफाई कर चुके हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। कितना परसेंट मार्क्स आपको मिला है वो देना होगा। उसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास वो देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको AITT और फॉर अपीयरेंस नेशनल NCVT जिसका अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसका इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब कुछ यहाँ पे देना होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन पास जो है आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वर्क एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपको आई एग्री, उसके बाद सॉरी यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर जिसको आपको यहाँ पे देना हो, कौन सा एग्जाम पेपर के लिए आप प्रेफर करते हो आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आई एग्री में आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको जो कि प्रीव्यू करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको यहाँ पे वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाए। तो दोस्तों, इस तरह से आप टाटा स्टील में जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए आज की वीडियो, और इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।